हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रिया एंड इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपने आर्ट वर्क्स, और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने आर्ट सप्लाईज जो मैं अपने पेंटिंग्स और अपने स्केचेस में यूज़ करती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे है मेरा काइली प्रोफेशनल मेकअप ब्रश सेट विथ फ्री केस। सो ये मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से, जो कि मेरे को बहुत अफोर्डेबल पड़ा था अकॉर्डिंग टू इसकी क्वालिटी। इसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं। ये ब्रश जो है ना, बहुत अच्छा ब्लेंडिंग देता है। इसका जो फिनिशिंग लुक होता है ना, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है। ये ग्रेफाइट, चारकोल, जो भी हो, मैंने वाटर कलर भी इसमें यूज़ किया था, वो बिल्कुल अच्छा इफेक्ट नहीं दिया, पर जो चारकोल और ग्रेफाइट देता है ना, बहुत अच्छा फिनिशिंग देता है। देन ये ब्रश, इसके आगे ना स्पॉन्ज टाइप का है, इससे भी बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग होती है, लेकिन ये ना हल्का सा टूटने टूटने लगता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ तो नहीं करती हूँ। देन मैंने इसमें अपनी पेंसिल्स रखी हुई हैं। बहुत कन्वीनियंट हो जाता है ना, जब भी आपको स्केचिंग करने का मूड हो, मन करे, या फिर आपको स्केचिंग करनी है, तो बस फिर ये ब्रश को उठाया और शुरू हो गया। और ये ब्रश को मैं झाड़ने के लिए यूज़ करती हूँ। जब भी मेरे स्केच के ऊपर कोई कचड़ा या फिर ऐसे डस्ट इरेज़र के वो रह जाते हैं, इरेज़र का डस्ट, तो मैं इसको झाड़ देती हूँ ऐसे करके। देन ये वाइट पेन, जहाँ पे ज़्यादा वाइट देना रहता है, मैं उसको यूज़ करती हूँ अपने स्केच में। देन इसमें पेपर क्लिप भी लगा के रखा हुआ है मैंने। बहुत कन्वीनियंट हो जाता है इसको यूज़ करना, अफोर्डेबल भी है। देन इसके साथ बहुत सारे और ब्रश मिले थे, जिसको मैं यूज़ तो फ़िलहाल अभी नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ब्रश मिले थे। अब कितना ही यूज़ करोगे भाई। देन मेरे पास डोम्स का कलर पेंसिल, इसको मैंने परचेज़ किया था फ़िलहाल ही में ट्राई करने के लिए, कलर पोर्ट्रेट। डोम्स का कलर पेंसिल है ये। बहुत इसमें सारे कलर्स अवेलेबल है, सारे स्किन टोन्स अवेलेबल हैं। अगर आपको पोर्ट्रेट स्केच में इसको ट्राई करना है एज अ बिगनर, यू शुड ट्राई दिस। देन मेरे पास कैमल का पोस्टर कलर्स, ये सूख गए हैं, लेकिन हम लोग तो हैं ही जुगाड़ू भाई, जुगाड़ तो लगा ही लेते हैं। इसमें हल्का हल्का मैं पानी डाल के यूज़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद मैं अपने कलर्स, अपने आर्ट सप्लाईज़ को थोड़ा भी वेस्ट करूँ। बहुत कॉस्टली भी नहीं था ये, अफोर्डेबल था। और इसकी हालत, माय गॉड गाइस, प्लीज़ आप डर मत जाना बिल्कुल भी। इसके जो कवर है, इसको भी मैंने अपना मिक्सिंग पैलेट बना के रखा हुआ है, बट ये जो वाटर कलर है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल। आई थिंक ये 99 रुपीज़ का है, जो इसमें कलर से बहुत वाइब्रेंट, बहुत अच्छा है पैलेट, ये कलर पैलेट। और इसकी कवर की तो बैंड बच गई इसकी। देन ये ब्रशेस की हालत बहुत ख़राब हो गई, बहुत पुराने ब्रश हैं मेरे, इनके ना नंबर्स भी मिटने लग गए हैं। टिप्स जो हैं वो सामने से स्प्रेड होने लग गए हैं, बहुत ख़राब हालत में है मेरे ब्रश। बैंड भी हो गया है गाइस, देखिए। आई नीड टू परचेज न्यू सेट ऑफ ब्रश। ये बॉक्स पता है ऐसे मेरे को पड़ा मिला था घर में, और मैंने इसमें अपने ब्रश रख दिए। बहुत अच्छा है मेरे। देन आर्केलिक वाइट पेंट, मतलब मेरे साथ ऐसा होता ही है कि मेरे वाइट पेंट पता है ख़त्म हो जाते हैं जब भी मेरे को पेंट करने का मन करता है। देन ये वेट ऑन वेट टेक्निक के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये वाला बड़ा ब्रश। देन मंडाला के लिए मेरे पास है पॉइंटर्स, कलर पेंस फॉर मंडालास, सारे कलर्स हैं इसमें, और ब्लैक पॉइंटर। आई लव
मंडाला। और ये कलर पेपर्स जो कि मैंने परचेज किए थे अपने वर्कशॉप के टाइम पे, मैंने वर्कशॉप लिया था अपने सोसाइटी के बच्चों का क्रिसमस के टाइम पे, तब मैंने परचेज़ किया था। और ये भी मैंने तभी परचेज़ किया था, मेरे को लगा था कि ये किसी ना किसी काम आ जाएगा, बट ये काम नहीं आया और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी भी, नया का नया। देन ये मेरा खजाना है, इसमें टिश्यूज़, ईयरबड्स। गाइस अगर आपको स्मूथ, एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए ना, तो आप टिश्यू यूज़ करो, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करने वाले हो, बहुत अच्छा स्मूथ ब्लेंडिंग देता है। और अगर आपके पास ब्रश नहीं है ग्रेफाइट ब्लेंड करने के लिए, चारकोल ब्लेंड करने के लिए, ईयरबड यूज़ करो गाइस, सबके घर में होता है ईयरबड, टिश्यू सबके घर में होता है, यूज़ करो। स्टार्टिंग में मैं ब्रश बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी, मैं हाथ से ब्लेंड करती थी या फिर टिश्यू से। और ये कटर, मेरे को पेंसिल शार्प करनी होती है या फिर कुछ भी कट करने के लिए। देन फाइबर क्रिस्टल का पेंसिल कवर, इसको मैंने, इसके फीडबैक्स बहुत अच्छे थे इसलिए मैंने सोचा आई शुड ट्राई दिस। देन चारकोल पेंसिल अप्सरा की, मेरे को पता है मैंने जब ये पेंसिल ट्राई किया था ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, लेकिन एट द एंड रिज़ल्ट जब आप इसको यूज़ करोगे ना, आपका पेपर है ना हल्का हल्का फटने लग जाएगा, आई डोंट नो वाई बट क्यों होता है ऐसा। देन ये मेरे ऑयल कलर्स का, इस मैंने इसको पता है 2 साल से यूज़ नहीं किया, आई थिंक 3 साल से, ये ऐसे कैसे पड़ा है, इसका जो ऑयल था पूरा का पूरा निकल चुका है और चिपक गया है सारा, बहुत हालत ख़राब है गाइस, आई एम सॉरी, मैं नहीं दिखाने वाली थी लेकिन। इसको मैं यूज़ करूँगी, डेफिनेटली यूज़ करूँगी थ्रू दिस चैनल। सो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो और हेल्प मिली हो, अगर ट्यूटोरियल्स मैं अपलोड करूँगी नेक्स्ट वीडियोस में, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। देन मेरा स्केच बुक, इसको मैंने खुद कस्टमाइज़ किया था, इसके बुक मार्क से लेके, इसके स्टिचिंग से लेके, इसका सब कुछ, A4 जो प्रिंटिंग पेपर आता है ना उसको इसमें मैंने यूज़ किया है, ये प्रिंटिंग पेपर से सब कुछ स्टिच कर दिया था मैंने और उसके ऊपर कवर लगा दिया, ख़त्म बात। देन ब्रूस्ट्रो का स्केच बुक, ये मैंने यूज़ किया था जब मैंने स्टार्टिंग में स्केच करना शुरू ही किया था लॉकडाउन के टाइम पे, मेरे को बहुत क्रेज़ था ना ब्रूस्ट्रो से, बहुत फैंसी लगता था मेरे को। देन मेरा मंडाला का, इसको मैंने स्पेशली मंडाला के लिए बनाया था, लेकिन मैंने इसको यूज़ मंडाला के लिए किया ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं किया है। इस पर मैंने क्रॉकी का वो बनाया था, देन बस और कुछ भी नहीं है इसमें। और मैं इसमें अपने पेंटिंग्स छोटे छोटे जो होते हैं ना स्मॉल साइज़ में, उनको रखने के लिए यूज़ करती हूँ। ये देखो क्रॉकी का मेजरमेंट है ये, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। इसको भी मैंने खुद ही से बनाया था। देन क्लासमेट की ड्राइंग बुक, ये देन मैंने ये क्लासमेट की ड्राइंग बुक, इसको मैं यूज़ करती हूँ अपने पोर्ट्रेट स्केच बनाने के लिए। यही पेपर में मैंने डोम्स की कलर पेंसिल यूज़ की थी और ये ग्रेफाइट का बनाया था आर्ट पीस। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आप ड्राइंग बुक्स यूज़ करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है एज अ बिगनर। आपको फैंसी आर्ट सप्लाइज़ की ज़रूरत नहीं है, आप लोटस का एवरी शीट यूज़ करो, ये भी बहुत अच्छा अफोर्डेबल पेपर है, आप इसमें 100% कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वालिटी देता है ये। इस पर मैंने अभी रश्मिका मंदना मैम
एक्टर हैं जो उनका स्केच मैं ट्राई कर रही हूँ। मैंने इसको फ्री हैंड स्केच बनाया था जो कि मेरे को रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट हो जाएगा आप लोग के साथ मैं ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत अच्छा क्वालिटी है गाइस, आपको फैंसी आर्ट सप्लाईज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप क्रिएटिव हो आप किसी से भी कुछ भी बना सकते हो। और ये लोकल स्टोर से मैंने लिया था। स्केच बुक है ये, जिस पे मैंने अभी तक बस एक कलर ड्राइंग की है, वो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड, और कुछ भी नहीं है इसमें। देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।